पूरा ट्रक खुल गया। क्या ठंड लगी बहन जो भाई रोके बहनी वो एल डाल एल डाल इसके वो अभी तो कह रहा हूँ अभी तो बंद हो रहा ना ये बहन जो कट्टा ही बांध रहा था अभी तो किसने किया मतलब अभी ट्रिप शुरू नहीं हुई है आप तू एक डोरी बीच में डालेंगे चड्डी चड्डी सुखाने के लिए अच्छी है यार ले चलेगा हाईवे पे चलो निकल रहे यार काफी टाइम लगा रहे हो तुम जगह कितनी है खाली है तेरे खाली है ना मेरा खाली नहीं तो फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और यहां से शुरू होता है हमारा हरिद्वार। पहले हमारा हरिद्वार का तो कोई प्लान नहीं है हम सीधे निकलेंगे डायरेक्ट ऋषिकेश और ऋषिकेश में सबसे पहले अपना ढूंढेंगे स्टे जो स्टे मिल जाता है ना तो दिक्कत नहीं रहती आप रात में कितना भी ढोलो कहीं भी ढोलो उसके बाद आराम जहाँ स्टे हो अपना रुको आके खाओ पियो और सो जाओ। हर हर महादेव जैसे शंकर भोले बाबा। यहाँ की धूप गर्मी तो दिल्ली वाली हो रही है भाई तो सामने सारा पहाड़ी इलाका इधर ऊपर मनसा देवी है कहीं पे और पीछे हमारा घाट जाने का रास्ता ये सारा पार्किंग है। चलो डंडी कितनी होगी तेरी पेट्रोल की मेरी भी ये क्या चाहता है मैं चाहता हूँ तेरी मेरे से पहले सूखे दोनों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है हाइट में इधर से निकलना सेफ नहीं रहता है ये देखो बोर्ड लगा हुआ है जंगली जानवरों से सावधान हाथी और शेर भी अवेलेबल है यहाँ पे हाइट में गाड़ी चलाते समय यहाँ ध्यान रखें जगह जगह बोर्डिंग लगी हुई है यहाँ पे क्या जाम लगा हुआ है ये ऋषिकेश से पहले का जाम है वो ये लगा ही रहता है कितने बार जाओ मैं निकाल लें थोड़ी थोड़ी सरकार के का काम चल रहा है शायद क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तब भी कुछ यही हाल था। इससे क्या आगे तक का ज्यादा दिखता है क्या आगे कहाँ लग रहा है अरे नहीं ये कैमरा है सामने का रिकॉर्ड करने के लिए होता है अच्छा रिकॉर्ड करेगा सामने कैमरा है यहाँ भाई नल की चेंज कराने का तो हमारा भी बजट है नहीं तो इस चक्कर में ये काम करना पड़ रहा है मट्टी भी चिपका दूं क्या वो चिपका मट्टी में चिपका दे रबड़ है ना वो मट्टी में चिपका हां ले अरे वाह अगर लिंक चिपका दे मैं अगर नल की चिपका ले अपनी साले वीडियो चालू है तेरी इज्जत उठवाऊंगा मैं देख मेरी इज्जत कहां की है ये तूने मेरी चिपकवा दी और तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं पता नहीं बहुत ज्यादा फेमस आदमी हूँ अरे है तू जब से वो तेरे कीको की वीडियो वायरल हुई थी तब से हर बंदा तेरे को जानता है कहाँ जानता होता सब सबूत उठाता चल रही गर्मी लग रही थी चलो भाई यार गर्मी लग रही है भाई लोगों को आ जाओ एलपी डाले काम चला लिए नलकी से ताकि लीक ना हो इतना तो ट्यूबलेस टायर है तो इतना वो इफेक्टेड नहीं करता पर फिर भी एक बंदे का वेट तो मैटर नहीं करता है पर टायर बैठने का डर रहता है इसमें जो पंचर वगैरह लगे ना वो सब निकल जाएंगे अगर यहाँ का टायर लगेगा तो इतनी खूबसूरत जगह होगा ना ऐसे बैनर पर्चे फाड़ फाड़ के बांट बांट के रेडियो के चक्कर में डाइवर्जन क्रिएट है रास्ता बंद है भंडारा बट रहा है क्या भंडारा बट रहा है क्या अरे पूछ तो क्या पता भंडारा बट रहा हो अरे सुन तो भाई आ जाएगा कोई नहीं ओ भाई क्या हाल पीछे गाड़ी में जुल्फी कार था ना ना गफ्फार की बहन छेड़ दी गफ्फार की तो कोई भाई बहन ही ना है वो तो उसका भाई है जुल्फी कार कहाँ जा रहे हैं भाई हम लोग
पिछले ढाई घंटे से तू मैप देख रहा है, इतना टाइम तो दिन 2 बज गए हैं करीबन। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि कहीं खाने के लिए बैठते हैं। पहले स्टे का काम बता रहे हैं, स्टे देखते हैं, उसके बाद तो बोल रहा हूँ टेंशन खत्म हो जाएगी फिर। हाँ तो स्टे के लिए हो जाएगा, फिर रात में तू 11 बजे तक घूम, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टे बात करें बोलो करके चल। कैसे इतनी छोटी टांग है तुम्हारी यार, समझ में नहीं आता हमको। बॉर्नविटा नहीं पिए होगा बचपन में? ज़्यादा पी लिया बॉर्नविटा, उल्टा असर कर गया। भाई धर्म मसाला के कंसर्वेशन के लिए रुके थे और हमारा बजट था 20 रुपये का, तो 20 रुपये में 4 गोलगप्पे 3 लोगों ने खाए। बताओ कैसे खाए? इधर भी मार दे। हेलो भाई, हे भगवान, ऐसा कर गाड़ी लिटा ले। ऋषिकेश में हम घूम ही रहे हैं और जो हमने धर्मशाला देखी वो यहाँ से थोड़ा सा 6 किलोमीटर आगे है, क्योंकि सस्ती पड़ रही है हमें इसलिए। ओ भाई, फिलहाल तो हमारा बजट उतना नहीं होता है, ठीक है, तो हम जितना हो सके लो बजट कर उतना उतना अच्छा है। और बजट देखो भाई, रहने में ही किस्ते कट पाता, क्योंकि धर्म किस्तर पर अगर आते हो ना तो रहने में और खान मतलब सिर्फ रहने में ही थोड़ा बजट कम हो पाता है। जिंदगी की तलाश में हम मनुष्यत ना ही बोलो तो अच्छा है। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए ए ए दादा, हमें तो गड़िया फट रही है भे, सारा जिंदगी साला दिल्ली में गाड़ी चलाएं सीधे सड़कों पे, रास्ते में खड़ी हुई भैंस होती है तो हम साला रूट चेंज कर देते हैं। हाँ इतने मोड़, ओ भैया, ओ भैया, भाई 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 आ रहा, गाड़ी ब्रेक नहीं दे रही है। अरे अरे मां इसकी, मां का नगर पालिका तेरी नाइस की पहुंच थोड़े जा रहा। अरे ना 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 नागिना तो बड़ा मट्टी और भर दिया था, हेलमेट लगाऊं तो रास्ता भी नहीं दिखाई देगा साला, यहाँ तो बड़ा गाड़ी में ब्रेक डालने की जरूरत नहीं है। भाई थोड़ी देर के लिए मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद और थोड़ा राइडिंग पे फोकस करता हूँ, जो मेरी फट रही है इतना डेडली हिसाब से मैंने गाड़ी कभी नहीं चलाई है, ठीक है ना। पहाड़ों का भी ड्राइव जो साल भर हुआ मेरे को गाड़ी सीखे हुए और मैंने सिर्फ खाली दिल्ली की सीधी गलियों में सड़क चलाई है, तो बोलते हुए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आपको मिलता हूँ थोड़े आगे, मेरे बस की नहीं है, बस चौधरी भी दे लूँ और साथ में गाड़ी चला लूँ, और खासकर ऐसे रास्तों पर हैंडल भी काबू नहीं आ रहा है। भाई थोड़ा गाड़ी आराम से चला, नया ड्राइवर हूँ मैं, तेरे से कह रहा हूँ बेटी चो, तू आगे भगा रहा है, फालतू तो मेरा खून सुलगा रहा है। ओ भाई सामने का व्यू देख, पता नहीं सालों मैंने दिल्ली की सीधी सड़कों पे गाड़ी चलाई है, तुम साला कहाँ मेरे को ले आए हो, मेरा लाइसेंस भी नकली है साले, रास्ते में भैंस दिख जाती है ना तो मैं रूट चेंज कर लेता हूँ, ऐसे गाड़ी नहीं ले रहा है कि नहीं ले जाता हूँ। कहाँ 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 गांड फटी जा रही है तो ये मैप की पड़ी है, ये तो कपड़ों की भाई रेड पिट गई साहब, धूल मट्टी धूल मट्टी। भाई हमारी धर्मशाला का रास्ता है अस्तो गंगा ब्रह्मपुरी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यहाँ तो ब्रेक भी काम नहीं करेंगे। अबे ए माँ की चु 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 चु, मेरी गाड़ फट रही है। ओए अबे सालो कमीना,
ओह नहीं नहीं आराम से आराम से आराम से बच्चा आराम से जा लेते हैं धीरे। अरे मर गया। आराम से आराम से आराम से आराम से पूरे भैंस की पूछ। अरे ओह आराम से आराम से अरे अब कहाँ ले जाएगा। ओए मेरी तो कान फट गई उदाहरण में ना मुझे लगा भैंस की पूंछ कहीं छूट गई तो माँ की सीधे इधर निकलेगी। हाँ मुझे भी ऐसा लगा नदी में ना मेरा तो दिल बैठ गया यार। चलो ये चलो भाई रुकने मैं रुक नारियल फोड़ के आता हूँ। अमित तू एक काम कर समझदार बंदा है तू। क्या किसने कहा चल चल अमित नाम के बंदे समझदार होते हैं बड़ा और एक तुम्हारा ज्ञान देने वाला है। अमित नाम के बंदे समझदार कब से होने लग गए मैंने अपनी जिंदगी में साल भर से गाड़ी सीखी है हमेशा ऐसी चलाई है माँ की एक आँख दो तीन हर हर महादेव एक हर हर महादेव हर हर महादेव अपना ट्रिप से सलामत पहुँच गए यहाँ तक। अरे भाई ऐसे घूम रही थी मैं क्या कहीं ढीली छूट गई कहीं ब्रेक फेल हो गई माँ की आँख अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए अब यहाँ स्टे करेंगे ठीक है लेकिन भाई सही बचा रहा हूँ जो हरिद्वार में ऋषिकेश में घुसे ना जो गाड़ी चलाई वो ऐसे नागिन बनी हुई मेरा तो दिल बैठ गया यार। तो भाई फाइनली हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और जो हमारा स्टे है जा कर रहे हैं धर्मशाला वहां पहुंच चुके हैं और भाई रास्ते इतने वो टेढ़े मेढ़े थे ना मेरे तो कलेजा मुंह को आ गया पहली बार इतनी टेढ़ी गाड़ी चलाई की मैंने। तो आज का ब्लॉग करते हैं एंड और ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा हमारा नया ड्राइवर भाई साहब सांप बना दे नाजिम ने सांप बना दे नाजिम ने कलेजा मुंह में आ गया। चलो ये ब्लॉग ये पूछ रहे हो उससे कि ये ब्लॉग आएगा कब ये चार महीने बाद चार साल बाद इसी महीने आएगा ये ब्लॉग कर देख लेंगे यहाँ पर मैं यहीं मिलाएगा ठीक है। अभी तो भाई महीना पड़ा है पूरा बेटी चलो ब्लॉग एंड ना करूँ मैं ठीक है ये ब्लॉग करते हैं यहीं एंड और बाकी हम करेंगे आज स्टे यहाँ पे मतलब अगले महीने बाकी करते हैं ब्लॉग अपना कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं भाई भाई मतलब भी गया था वो भी आएगा इसी महीने सब आएगा।